प्रणाम डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 9th इकोनॉमिक चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फूड। व्हाट डू यू मीन बाय द फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी मींस बेटा अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड एंड ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम। दिस इज द फूड सिक्योरिटी का मीन्स है कि अगर जो मेन प्रॉब्लम्स है, इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, तो सब लोगों को क्या है, एक्सेसिबिलिटी में फूड मिलना चाहिए। फूड जैसे आप जाते हो यहाँ से, आप चावल लेना और आपको पता चले कि 15 किलोमीटर दूर जाकर आपको चावल मिलेगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेने 1 किलो चावल है, फिर उसके बाद मान लो आप चले भी जाते हो और वहाँ पर आप बोलते हो भाई मुझे जो चावल चाहिए, तो वो कहता है भाई यहाँ पे सब कुछ है लेकिन चावल नहीं है, वो आपको ना मिले। प्लस अगर आपको चावल मिल भी गए तो वो आपसे ये कह रहा है कि भाई जो चावल का प्राइस है, 1 केजी जो चावल आप लेते हो तो वो 500 रुपीज़ केजी है। तो अफोर्डेबिलिटी यानी कि आप में लेने की क्षमता और एक्सेसिबिलिटी, पहुंच और अवेबिलिटी, मतलब वो चीज़ें मिलनी भी चाहिए। ये है फूड सिक्योरिटी। मीन्स द पुअर हाउस होल्ड एंड द मोर वेनरेबल्स टू फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो जो पुअर हाउस होल्ड हैं, जो गरीब रेखा के नीचे जीते हैं, वो लोगों को मोर, या फिर वेनरेबल ग्रुप्स जिसमें जो फ्लड से इफेक्टेड रहते हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग रहते हैं, उनके लिए फूड इनसिक्योरिटी रहती है कि उनको पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता, अच्छे से नहीं मिल पाता, या वो उसको परचेज नहीं करते। तो इन सभी समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स को इम्प्लीमेंट किया। फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन द PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फुल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़नी है। व्हाट इज़ PDS? PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया फूड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड गवर्नमेंट वेलिगेंस एंड एक्शन एट द टाइम व्हेन द सिक्योरिटी वॉज थ्रेटेड। और सरकार इस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग काम करती है अगर लगता है कि कहीं पर लोगों को भोजन नहीं मिला। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? व्हाट फूड सिक्योरिटी मीन्स फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज वी ब्रीथ। जिस तरह सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है, उसी लिए जीने के लिए एक भोजन भी ज़रूरी है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समटाइम मोर देन गेटिंग 2 square meals। तो फूड सिक्योरिटी क्या मिलता है कि 2 टाइम का जो भोजन है वो लोगों को सही मात्रा में मिल सके, पर्याप्त मिल सके। फूड सिक्योरिटी के ये आयाम है, डायमेंशन है। पहला है एबिलिटी ऑफ फूड, मींस कि भोजन सबको उपलब्ध, उसका मतलब क्या है, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री यानी कि हमारे देश के अंदर जितना भी अनाज का या फूड का जो उत्पादन हो रहा है वो, एंड फूड इम्पोर्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रैनरीज यानी कि सरकार कितना अनाज इम्पोर्ट करती है और उसमें से कितना क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स में पिछले सालों में सरकार के अनाज भंडार में कितना अनाज बचा हुआ है, क्या वो पूरा अवेलेबल है सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा एक्सेस मील्स होता है, मींस फूड इज़ विद इन रीच इन एवरी पर्सन, क्या वह भोजन सभी लोगों तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। एंड अफोर्डेबिलिटी इम्प्लीज दैट इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशेंट सेफ एंड न्यूट्रिशन फूड टू मीट वंस डाइट्री नीड यानी कि अपनी डाइट्री नीड्स की, अपनी भोजन की आवश्यकता के अनुसार हर किसी के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वह सफिशेंट क्वान्टिटी में अच्छा और पोषण से भरपूर भोजन को खरीद सके। तो ये है फूड सिक्योरिटी के मेन डायमेंशन। और दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर इन द कंट्रीज इन अ फूड इज़ अवेलेबल फॉर। तो फूड सिक्योरिटी हमारे देश में है तो कि सभी लोगों को पर्याप्त रूप में भोजन प्राप्त हो। ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाय फूड इन एक्सेप्टेबल क्वांटिटी और सभी लोगों को एक निश्चित मात्रा में यानी कि जो ऐसे जो प्राइस है उसकी एक्सेप्ट क्वालिटी हो जिससे कि वो खरीद सकें। एंड देर इज़ नो बैरियर एंड एक्सेस टू फूड और भोजन तक किसी प्रकार का कोई ऑब्स्टिकल ना आए, कोई भी रोधक ना बने, सभी लोगों तक खाना पहुंच। वाई फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी क्यों इसमें है? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी द फूड इनसिक्योर। जो पुअरेस्ट सोसाइटी है, जो बिल्कुल गरीब पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको सोसाइटी में क्या है, फूड इनसिक्योर है। मोस्ट ऑफ टाइम वाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन मे आल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री इज फेस्ड ए नेचुरल डिजास्टर कैलामिटीज। जो नेचुरल डिजास्टर है या कैलामिटीज़ हैं जिसमें अर्थक्वेक, ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ द क्रॉप्स कॉजिंग फेमाइन एक्सेट्रा यानी कि कई बार गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोगों को भी जो भोजन की असुरक्षा होती है, कब, जब देश में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तब। हाउ विड फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग द क्लाइमेटीज़? और जो फूड सिक्योरिटी
सिक्योरिटी होती है कैसे इन नेचुरल कैलामिटीज़ से आपदाओं से अफेक्टेड होती है. ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ दे ड्रॉट. नेचुरल कैलामिटीज़ में जैसे सूखा हो गया है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स जो होना था वो डिक्रीज हो जाए. इट क्रिएट ए शॉर्टेज ऑफ फूड इज़ इफेक्टेड द एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, कोई पर्टिकुलर एरिया हो जहाँ पे मुख्य अनाज की कमी हो जाए, मे बी ड्रॉट के कारण हो सकती है, फ्लड के कारण हो सकती है, बहुत सारे. या ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड्स द सप्लाईज गोज अप. फूड की शॉर्टेज कम होगी तो सप्लाईज क्या हो जाएगी, सप्लाई जो होगी उसमें प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. एट हाई प्राइजेस सम पीपल कैन नॉट एफोर्ड टू बाई फूड्स. और प्राइस ज़्यादा होने से लोग उसको एफोर्ड खरीद नहीं पाएंगे. इन सच कैलामिटीज़ हैपन इन वेरी वाइड स्प्रेड एरियाज और स्ट्रेचेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और इस तरह की जो कैलामिटीज़ होती हैं, आपदाएँ होती हैं, एक बहुत बड़े एरिया को इफेक्टेड करती है और स्ट्रेचेज ओवर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, जिससे बहुत लंबे समय तक इफेक्टेड होती है. इट मे कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, जिससे भूख जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है. ठीक है.